मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आपको पता है घर से AK-47 मिलने के मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुना दी गई है। साथ ही साथ पटना सरकारी आवास से भी अवैध रूप से हथियार बरामद हुआ था, उस मामले में भी उन्हें 10 साल की सजा हुई है। तो अब चर्चा हो रही है मोकामा सीट किसके हाथ जाएगा। उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार तैयारी की जा रही है, जातियों का गठजोड़ भी देखा जा रहा है। और इन सबों के बीच बड़ी अपडेट यह है कि नीलम देवी, जो अनंत सिंह की पत्नी है, वो लगातार क्षेत्र में एक्टिव नजर आ रही है। उनके प्रशंसकों के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि अनंत सिंह जिसे खड़ा करेंगे वो जीत जाएंगे। बता दें आपको, बाहुबली विधायक अनंत सिंह को लेकर जिस तरह की लगातार खबरें चलती रही और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई, तो अब उनकी विधायकी चली गई है और उपचुनाव होना है। और इसको मद्देनजर जो तमाम जो तैयारियां हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जा रही है। माना जा रहा है नगर निकाय चुनाव के साथ ही बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव होगा, मोकामा और गोपालगंज, और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। बता दे मोकामा का सीट कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि इस सीट से बाहुबली अनंत सिंह का दबदबा रहा है और उनके परिवार के साथ तमाम जो सदस्य हैं उनका जुड़ाव रहा है। राजनीतिक पार्टियों की बात कर ले तो सबसे पहले अनंत सिंह जदयू कोटे से विधायक बने थे, उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 2020 में राजद कोटे से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी। अब उनकी विधायकी चली गई है और उनकी पत्नी लगातार क्षेत्र में नजर आ रही है। तो माना जा रहा है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में नगर निकाय की जैसे ही घंटी बजेगी और चुनाव की संभावना जो है वो जल्द होने वाली है, तो नगर निकाय के साथ ही मोकामा में चुनाव होने जा रहा है। तमाम विपक्ष की पार्टियां और सत्ता पक्ष की पार्टियों के द्वारा सीट को लेकर चर्चाएं हो रही है कि उम्मीदवार कौन होगा। तो इस बीच अनंत सिंह की पत्नी लगातार क्षेत्र में नजर आ रही है। और बात करें इस सीट पर जातियों की, तो ये क्षेत्र भूमियार बाहुबल इलाके से आता है, यानी कि इस क्षेत्र में भूमियार की आबादी अधिक मानी जाती है और यही कारण है कि अनंत सिंह यहां से लगातार विधायक बने हैं। और इस सीट पर बाहुबली छवि के नेताओं का हमेशा से दबदबा रहा है। नगर निकाय चुनाव के बाद क्या कुछ अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राजद विधायक रहे अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ी है और अब उस सीट पर नीलम देवी को पहले प्रचार प्रसार करने की बात कही जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार उनके साथ है, राजद के साथ, तो ऐसे में उनके टिकट को लेकर भी संचय बरकरार है। वहीं मुकेश सहनी के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि टिकट को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं उनसे बातचीत चल रही है, जो वहां के लोकल नेता है उनसे भी बात हो रही है। और सभी राजनीतिक दलों के द्वारा जातियों के आधार पर टिकट देने की जो रणनीति है वो बनती नजर आ रही है। मोकामा उपचुनाव को लेकर तमाम अपडेट हम आपको जानकारी देंगे। आप NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।